देख रहे हैं दैनिक भास्कर। किसान संगठनों ने ये ऐलान किया कि सरकार ने जो 2020 में किए गए अपने वादों को अधूरा छोड़ा है, हम उसको लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे, जिसके बाद किसानों के दिल्ली चलो मोर्चे को लेकर पुलिस प्रशासन ने 12 फरवरी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर कंक्रीट की लाइनें और नुकीली तारों से जाम कर दिया गया था। चारों तरफ जैसे जंग का मैदान बना हुआ था। एक तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले लिए खड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी डटकर उनका सामना करते हुए दिखाई दे रहे थे। 2020 के किसान आंदोलन के बाद प्रशासन ने इस बार किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। साथ ही किसान भी लगभग 2500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एक तरफ पुलिस ने लगातार किसानों के ऊपर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे, जिस पर किसानों ने भी उनको टक्कर देते हुए शंभू बॉर्डर पर ओवरब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उन्होंने भी पुलिस पर पथराव किए, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से दिल्ली के बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए स्थानीय जेल में तब्दील करने की दरख्वास्त की, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने नामंजूर करते हुए कहा कि हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करे, इसलिए किसानों को अरेस्ट करना गलत होगा। साथ ही पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव शरवन सिंह पढ़ेर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है, और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे, जिससे 15 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना भी साधा। फिलहाल किसानों का प्रदर्शन जारी है, और इसके साथ ही सवाल ये है कि किसान और सरकार के बीच क्या बात बन पाएगी, या ये जंग ऐसे ही और भयानक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।